नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि बिहार में अब जिस तरीके से सियासत, यहाँ की पारा जो है वो हाई है, सियासत का पारा हाई है। प्रधानमंत्री का चेहरा जो है नरेंद्र मोदी हैं और प्रधानमंत्री वर्तमान में वही हैं। और अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की हम बात करें, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बनाई बहुमत के साथ और अब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के लिए दावेदारी ठोकना शुरू कर दिए हैं। देखिए, एक पोस्टर लगाया गया राजधानी पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर और उसमें लिखा गया है कि 1 मई मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी भावी प्रधानमंत्री 2024 के उम्मीदवार, यह कहा जा रहा है। सिंहासन खाली करो की युवा आयोग, ये पोस्टर राजधानी पटना में लगाया गया है और इस पोस्टर के कई मायने हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब में अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाई है और जो दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है और जिस तरीके का फैसिलिटी दिल्ली के लोगों को मिलता है, और तो कहीं ना कहीं अब ये चेहरा, साफ छवि का चेहरा, इस तरीके की बातें भी कही जा रही है। लेकिन अब जो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में है और दिल्ली में शिकस्त इसकी जारी है, लेकिन अब ये पोस्टर बिहार के राजधानी पटना से लगाई गई है और ये आवाज़ उठाया जा रहा है कि उनको जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल हैं, अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, ये पोस्टर के माध्यम से बताया जा रहा है कि 2024 के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल होंगे, ये कहा जा रहा है और ये पोस्टर लगाया गया है। साफ तौर पर ये तस्वीर आप देखिए किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की तस्वीर है और तमाम जो जो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनकी तस्वीरें लगाई गई है और साफ तौर पर ये बताया जा रहा है कि 2024 के उम्मीदवार जो हैं वो प्रधानमंत्री के अरविंद केजरीवाल होंगे। और ये बड़ी बात है कि आखिरकार जिस तरीके से राजधानी पटना में ये पोस्टर लगा है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा बात है कि आखिरकार ये जिस तरीके से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार की बात करें तो एक तरफ जहां राहुल गांधी, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और तीसरी तरफ ये आ गया है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, पोस्टर लगाए गए हैं। देखना है कि आखिरकार इसका क्या कुछ असर होगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है राजधानी पटना की, वहाँ पर जो पोस्टर लगाए गए हैं और जो कहा जा रहा है, ये तमाम बातें, ये तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे थे। और इस फाउंडेशन के साथ नमस्कार।